हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। आइए, आज आपको हम बिहार एसएससी से जो एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, आज के हिंदुस्तान का ही ये न्यूज़ है, आपको बता दें कि अब जो है बिहार एसएससी की परीक्षाएँ ऑनलाइन होगी। यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं, ये कॉलम यहाँ पर है कि बिहार एसएससी की परीक्षाएँ जो है कि अब ऑनलाइन होगी। ठीक है, अब इस न्यूज़ में क्या है ज़रा उसको देख लीजिए। दरअसल यहाँ पर जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है, नियमावली में संशोधन किया और सरकार ऐसा चाह रही है कि जो भी एग्ज़ाम जो बीएसएससी के द्वारा कराई जाती है उसको कंप्यूटर बेस्ड भी जो है कि होना चाहिए, ऐसा सरकार का सोचना है। और इसको लेकर जो है कि न्यूज़ जो आया है वो है, मैं आपको बता दूँ कि सरकार ने आयोग की नियमावली में संशोधन किया है, ऐसे में बीएसएससी की परीक्षा ऑनलाइन ले सकता है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना बीएसएससी पहला आयोग होगा। अभी राज्य में कोई भी चयन आयोग जो है कि कंप्यूटर आधारित एग्जाम नहीं लेता है। ठीक है, और इस संशोधन के बाद जो है कि यह क्या होगा कि बीएसएससी आईबीपीएस और एसएससी के बराबर हो गया है। जो आयोग के चेयरमैन, इनका कहना है कि ये थोड़ा सा इनका देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने से जो है कि परीक्षा को लेने में आसान हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी एजेंसी को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए आउटसोर्स करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेने में अब सक्षम होगा। बिहार कर्मचारी आयोग के संचालन नियमावली में जो है कि ये नियमावली है, इसको देखिए यहाँ पर, इसमें जो ये नियमावली में संशोधन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो है कि बिहार एसएससी भी अगर चाहे तो वो किसी कंपनी को आउटसोर्स करके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। जैसे कि आपको पता है एसएससी होता है, बैंकिंग्स होते हैं, एसएससी और आईबीपीएस वगैरह और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं। तो अब जो सरकार जो है कि उसके नियम में संशोधन कर दिया है, जिससे कि अब वो एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड ले सकती है। और आगे इसका रीजन देखिए क्या इन्होंने दिया है। रीजन है कि बताया गया कि किसी परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित किसी संचालन हेतु निर्णय के लिए स्वयं सक्षम होगा, अर्थात अब आयोग कलम पेंसिल या कंप्यूटर आधारित दोनों तरीके से परीक्षा ले सकता है। और यह संशोधन जो है कि 6 मार्च के आदेश से किया गया है। बड़ी परीक्षाएं कराने में होगी आसानी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा न सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए बल्कि बीएसएससी के अधिकारियों को भी राहत देने वाला है। ये देखिए, ये न्यूज़ जो है कि अब तक का सबसे आप बड़ा न्यूज़ कह सकते, मानव और अन्य संसाधनों से जूझ रहा बीएसएससी बड़ी परीक्षाओं को आसानी से ले सकेगा। मतलब खुद बिहार एसएससी के जो उनका जो अपना कैडर है उसमें ही जो है कि संसाधन की कमी है, स्टाफ्स की कमी है, बहुत सारी जो है कि कमी है। और आगे लिया है कि अभी तक इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षाएं अटकी हुई है, इसमें 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। यहाँ देखिए 18 लाख, जो आपको पता दे कि 18 लाख जो है कि कैंडिडेट है इंटर वाले में। अब कॉपी पेंसिल से लेने में उसको काफ़ी जो है कि संसाधन जुटाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है कि उसको जुटाकर फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो मोटा मोटी यही है कि अब जो है कि एग्जाम्स जो है कि ऑनलाइन हो सकेगी। और आई होप कि एग्जाम अगर ऑनलाइन हो तो एग्जाम सेंटर्स भी थोड़ा ढंग का हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एसएससी के जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो किस जगह होते हैं, साइबर कैफे होते हैं, वहाँ से जो है कि एग्जाम को बहुत ईजीली से वहाँ धांधली हो जाती है, माल प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, डिवाइस लगा के जो है कि रिमोट एक्सेस करके जो है कि उसको सर्वर को दूसरे आदमी उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर ये इनिशिएटिव है तो अच्छा है, लेकिन सोचना चाहिए सरकार को कि सही ढंग से जो है कि परीक्षा हेल्ड कराया जाए, जिससे है कि कैंडिडेट्स को भी जो है कि आसानी होगी और परीक्षा जो है कि काफ़ी फेयर हो सकेगा। तो एक गुड न्यूज़ है, अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे बिहार एसएससी का जो रिकॉर्ड है परीक्षा लेने के मामले में वो बहुत ही ख़राब है। 2014 के बाद जो है कि अब तक जो है कि एग्ज़ाम जो कैंसिल हुई थी इंटर लेवल का वो कंडक्ट नहीं किया गया है। तो आई होप कि ये सब बहुत बेहतर हो जाए ताकि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो। तो बस इतना ही है इस न्यूज़ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये न्यूज़ अधिक से अधिक लोग पहुँचाने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।